हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 27 डिवाइड 27 डिवाइड 27, और आपको मल्टीप्लाई करना है, 27 से मल्टीप्लाई करना है, और आपको बताना है कि इसका आंसर आपके पास यहाँ पे कौन से ऑप्शन के इक्वल होगा। सबसे पहले आपको दिया गया है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी आपको दिया गया 9, और ऑप्शन डी आपके पास दिया गया है 27 दिया गया है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकेंड्स दे देता हूँ। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको बॉलमास फॉर्मूले का यूज करना होता है। उसके अकॉर्डिंग ना तो यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं ना यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, यानी कि डिवाइड वाले साइन हमें सबसे पहले सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या सॉल्व करते हैं, 27 डिवाइड 27 करते हैं, जिसका सम आपका इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, यानी कि इसकी जगह अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड 27, और यहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लाई होगा 27 के मल्टीप्लाई होगा। ये 1 डिवाइड अगर 27 को इस तरह से लिखे और यहाँ पे मल्टीप्लाई 27 करें तो यहाँ पे हमारे पास 27 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली क्या बच जाता है, 1 बच जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ए 1 होगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।